देख सकते हैं ये मंदिर के लिए दीपक और ये दरवाजे के लिए। मंदिर में भी मैंने दिया लगा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुषों में जन्म से लेकर जो पाप किया जा रहा है, पाप किया है, वह सब कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की राम राम आप सभी लोगों को, देखता हूँ मंदिर के दर्शन करा दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और यहाँ पर अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह जो डे क्रीम है वो लगा लूँगी और इसके बाद फिर मेरा अभी टाइम पता है करेक्ट 5 बजे हैं। 4 बजे उठती हूँ तो 5 बज जाते हैं, क्योंकि देखो साफ़ सफाई भी हल्की फुल्की, ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग नहीं होती पर हल्की फुल्की जो घर की बासी झाड़ू होती है वो निकालना पड़ता है। जहाँ हम बैठ के बालकनी में पूजा करते हैं वहाँ झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। जो भी ये रात के फूल हैं इनको ना बाहर डाल देती हूँ, एक बॉक्स बना रखा है उसके अंदर। और ये रात मैंने अर्पित करे थे भगवान को, क्योंकि जो भैया है ना फूल वाले वो थोड़ा लेट आते हैं सुबह, तो कभी चढ़ा नहीं पाती हूँ, तो वैसे ही रख देती हूँ, फिर शाम की पूजा में मैं इनको चढ़ा देती हूँ। बर्तन धुल कर ले आई हूँ, जल भी ले आई, बढ़िया। अब दीपक लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, सुबह में जो 6 दीपक मैं मंदिर में लेकर जाती हूँ, 5 से 6 कुछ हो जाते हैं, अभी गिनती मुझे याद नहीं, लगा लेती हूँ जितने चाहिए होते हैं। और जो मैं घर में डेली लगाती हूँ, जो मेरे पास तांबे के दीपक रखे हैं, मैं उसी से ही दीपदान करती हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैं जो बर्तन धुलकर लेकर आई हूँ इनको बाहर निकाल के, 2 थालियाँ मेरी यूज़ होती है, एक मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ और एक में मैं सारे दीपक बनाकर लेकर जाती हूँ। देख सकते हैं ये मंदिर के लिए दीपक और ये दरवाजे के लिए तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं, लेट नहीं तो लेट हो जाएगा फिर। मंदिर में भी मैंने दिया लगा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। बाहर भी लगे हैं, अब चलते हैं घर। सबसे बाहर से व्यू देखा हूँ मंदिर का। क्रोध से अत्यंत मूंड भाव उत्पन्न हो जाता है, मूंड भाव से स्मृतियों से भ्रम हो जाता है, स्मृतियों से भ्रम होने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंत करण वाला सा...
ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्त्रियों पुरुषों में जन्म से लेकर जो पाप किया जा रहा है, पाप किया है, वह सब कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दे देती हूँ और मेरा जो सुबह पढ़ती हूँ कार्तिक महात्म और भगवद गीता, उनके पाठ हो गए। आज पता है दूसरा अध्याय था भगवद गीता का और इतना लंबा अध्याय थे, 5-6 पेजेस थे, पर कोई नहीं, हो गए टाइम से। अब बच्चों को रेडी करना, उठ गए हैं और अब ये इनसे नहाने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे हैं, मम्मा आज रहने तो हाथ में, क्योंकि मौसम ना अब ठंडा होता जा रहा है, पर नहाना है अभी। पानी लेकर, पानी गर्म कर रही हूँ और अब यहाँ पे दीपक लगा हुआ है। आती हूँ, बच्चों का टिफिन तैयार करना है मुझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों के लिए ना पत्ते गोभी की सब्जी बनाई मैंने और यहाँ पर पराठा बना रही हूँ। दोनों बच्चों को लंच बॉक्स दे दूँगी। और नाइशा के तो इतने नखरे हैं, उसको पत्ता गोभी की सब्जी नहीं लेकर जानी है, क्योंकि आटे में क्या करती हूँ, नमक डाल लेती हूँ। तो महारानी बोलती हैं कि मम्मा मैं सॉस से ही खाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए सब्जी। मतलब उसकी हर चीज़ ना परफेक्ट होना चाहिए, बालों में रबड़ भी लगे वो भी परफेक्ट हो, हर चीज़ उसकी परफेक्ट होना चाहिए। अनकू का मेरा बड़ा अच्छा है, कुछ भी दे दो सब कुछ खा लेता है। तो देख सकते हैं इनका टिफिन लगा दिया है, कुकीज़ रख। तो फ्रेंड्स, बच्चे मेरे गए हैं अब स्कूल, उनको स्कूल भेज दिया। अब मैं अब जाती हूँ, अपनी पूजा वापस से स्टार्ट करती हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, स्नान करवाने के बाद पाठ उठ बचे हैं मेरे, वो कर लूँ, आरती कर लूँ, बस उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से आधे घंटे में। चार्जिंग पे लगा दूँ फोन ये। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, मेरे अब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप। तो यहाँ पर भी मेरी पूरी पूजा हो गई। पूजा करने के बाद मैं ये प्रार्थना भगवान के सामने करती हूँ और अच्छी लगती है ये। जब मैं स्कूल में थी ना तो ये प्रेयर होती थी और आज भी मैं ये प्रेयर करती हूँ पूरी पूजा समाप्ति के बाद। तो फ्रेंड्स, नीचे आ गई हूँ, पूजा मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने यहाँ पर ये कंगे पोहे गलाए हैं, सुबह बच्चों को पराठा बनाया था, पापा जी को पोहे खाने हैं, धनिया हरी मिर्च सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अपने लिए पहले बिना प्याज का बनाऊंगी, क्योंकि कार्तिक में लहसुन प्याज छोड़ रखा है, तो पहले अपना बना लूंगी फिर पापा जी इन लोगों को बनाऊंगे। इधर देखो क्या आ गया, गाय आ गई। क्या चाहिए? डंडा की रोटी? रोटी दे दूं? लो गाय को ले जाओ, लो जाओ गाय को रोटी खिला देना, जाओ दादू खाएगी, दादू खिलाएंगे, जाओ बाय। तो यहाँ पर बना लेती हूँ पोहा। और वैसे मैं आपको बताऊं, आटा भी लगा हुआ था, अगर पापा जी कहते कि सब पराठा बना दो तो पराठा बना देती, फिर मैंने कहा मैं भी अपने लिए कहाँ पराठा बनाऊंगी, मैं भी अपने लिए पोहा ही बना लेती हूँ। और वैसे भी मुझे मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ पोहा वैसे, पर जब मैं खुद बनाती हूँ ना, सिर्फ राई डालती हूँ, हरी मिर्च और थोड़ी से मूँगफली के दाने, और फिर इसके बाद में जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस हल्दी मिर्च ये सारे डाल के और हल्का सा नमक डाल दिया, ऐसे मुझे पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मैं सेव वेव कुछ भी नहीं डालती हूँ। और जो मैंने पापा जी के लिए पोहा बनाया ना, उसमें प्याज भी ऐड करा थोड़ी सी सॉरी, तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा धनिया, खड़ा धनिया डाला और सौंफ भी डाली, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करी और खट्टा मीठा बनाया, थोड़ा सा नींबू भी मैंने उसमें ऐड।
फ्रेंड्स मेरा नाश्ता हो गया और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, जो कि मेरा चेहरा देख सकते हैं, मतलब रेस्ट क्या 20-25 मिनट मैं इसी रूम में नीचे ही लेटी थोड़ी देर के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, जो कि मुझे कारपेट वगैरह वो सब बिछाना है, आंटी से पोछा लगवाया था, मशीन में कपड़े लगा कर आने हैं, तो वो सारी चीज़ें करके आ जाती हूँ, फिर नीचे खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आगे ना सारा कुछ साफ़ कर दिया है, कारपेट भी लगा दिया। अब मैं यहाँ पर मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, बच्चों की जो वाइट ड्रेस है वो भी मुझे धुलनी है, क्योंकि कल बुधवार है, कल वो पहन के जाएंगे। तो बस मशीन में लगा देते हैं कपड़े भी, फिर नीचे चल के खाना बनाती हूँ, खाना भी तैयार करना है। और आज मम्मी जी ना भरमा बैगन के लिए कह रही थी, तो देखते हैं वो बनाती है या फिर मैं, क्योंकि उनके हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सासू माँ के हाथ की अच्छी लगती है, जैसे मम्मी कढ़ी मैं भी बना लेती हूँ, पर कढ़ी मम्मी जी भी बहुत अच्छी बना लेती हैं वो। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो मेरे व्लॉग हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। देखिए इसमें बन रहे हैं भरमा बैगन, जो कि मम्मी जी ने बनाए हैं, इधर दाल जो कि बॉयल हो चुकी है इसको फ्राई करूँगी, और यहाँ पर मैंने चावल भी बढ़िया भिगो दिए थे। तो बस चावल, दाल, चावल, भरमा बैगन और रोटी साथ में। तो फ्रेंड्स भरमा बैगन तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि उसमें लहसुन वगैरह पड़ा हुआ है, और वैसे भी जब चीज़ें नहीं पता होती है ना तो गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर देते हैं। जब हम वो पुस्तक पढ़ना है, कार्तिक महात्म्य में पढ़ रही हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है जो कार्तिक में दाल चावल ये नहीं खा सकते, पर दाल चावल भी नहीं खाऊंगी तो फिर खाऊंगी क्या, मतलब जो जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं बच रही हूँ इन चीज़ों से, जो नियम है मतलब कार्तिक के जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। तो ये बताया कि जितने बीजदार वाली सब्जियाँ होती हैं, जो फल होते हैं, वो कार्तिक में नहीं खाना चाहिए, दाल चावल और सब्जी खा सकते हैं, और क्या बताया बैगन नहीं खाना चाहिए, और क्या बोला था मूली, हाँ ये सब चीज़, ये सब मैंने पढ़ रही हूँ ना, और इतनी खुशी होती है कि बताओ कितनी नई नई चीज़ें मुझे जानने को मिल रही हैं कार्तिक महात्म से। और ये पिछले साल गए थे गोरखपुर, वहाँ से लेकर आए थे शिवपुराण, लेकर आए थे कार्तिक महात्म्य, लेकर आए थे दुर्गा सप्तशती, लाए थे और गीता लाए थे, जो कि आप सभी लोगों ने ही कहा मेरे से कि दीदी जब मैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी ना, नॉर्मल पुस्तक से कर रही थी, तो आप लोगों ने मेरे से किसी ने कहा था कि दीदी आप ना ये दुर्गा जो गोरखपुर वाली है ना, ये इससे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, इसमें कोई भी गलती नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती है। तो फिर मैंने उससे करा, और जो मैं गीता का पाठ कर रही हूँ भागवत गीता का, तो वो भी मैं इसी से ही कर रही हूँ, गोरखपुर वाली जो किताब है भागवत गीता उसी से ही कर रही हूँ। चलो तो फिर दाल को खाली कर लेती हूँ, और इतने टाइम तक पता है आज थोड़ा सा लगने लगता है मुझे कि, और दोपहर में जैसे अब क्या, कल तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, सुबह 4 बजे उठो ना तो आधा एक घंटे का रेस्ट लेती हूँ, मैं सोती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो देख सकते हैं आज मेरी आँखें अभी से ही ऐसी होने लगी। तो बना लेते हैं जल्दी खाना, कपड़े मशीन में लगे हुए हैं, फिर उसके बाद बात करती हूँ। क्या